नमस्कार, देवभूमि ब्लॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्ण उपाध्याय। आज हमारी पेशेंट मैडम श्रीमती बिमला उपाध्याय जी न्यू लाइफ हॉस्पिटल किंगजो कैंप में भर्ती हैं, तो उन्हें अभी 2-3 दिन हो चुके हैं। तो अभी हम घर से जो है न्यू लाइफ हॉस्पिटल में जा रहे हैं। सन्नी कल से वहाँ बैठा हुआ था, तो सन्नी को रिलीज़ भी करना है ताकि आज का दिन मैं वहाँ पर बिमला जी के साथ मैं रहूँ। सन्नी कल रात वहीं था, तो आज के दिन से लेकर कल तक मैं रहूँगा। मैडम को टाइफाइड हो गया था, मैडम यहाँ टाइफाइड के इलाज के लिए आई हुई थी। शुरुआत में हमें ये लग रहा था कि कहीं डेंगू ना हो जाओ, लेकिन जब यहाँ डेंगू के टेस्ट लिए, उसके बाद चिकनगुनिया के टेस्ट लिए, तो वो दोनों रिपोर्टें ठीक रही, लेकिन टाइफाइड की रिपोर्ट यहाँ पे पॉजिटिव आई। तो मैडम को यहाँ पे उन्होंने एडमिट कर लिया हॉस्पिटल वालों ने। बिमला 206 है। बिमला पादे 206। वो जो मैं ऐसे चली हो तो उसमें क्या आवाज करेंगे, इसमें दम नहीं, सब कवर हो जाएंगे। अभी लगेगा क्या नाम है, चाय ले रही, एक कप जो ले रही, पता नहीं। कब से हटा हुआ है? अभी सर था बोला जब भी इसको ये डाल रहे ना वेन को, तो मुझे बहुत ज्यादा वेन में डाल रहे ना इसको, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। हाँ, ग्लूकोज चढ़ा रहे ना, तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मन कह रहा अपना चढ़ाऊंगा, बस इतना बहुत है। पर डॉक्टर सिस्टर ये कह रही है कि जितना आपका आ रहा है तो उतना तो चढ़ाई दो, फुल ट्रीटमेंट ले लो, वरना आगे प्रॉब्लम हो सकती है। आधा अधूरा ट्रीटमेंट करके जाओगे कल को, फिर दोबारा होने का वो रहता ना चांस। अभी तो ठीक ठाक हो, अभी आप आधा ट्रीटमेंट लेके चले गए, दोबारा होने के चांस है। इसीलिए अभी फुल ट्रीटमेंट जो सामान है आपका पूरा वो आप ले लो। तो इसमें ये है ना कि जैसे मेरी नसें हैं, वो तो मेरी नसें तो ये साफ साफ दिख जा रही है, ऊंची ऊंची उठी हुई है, यहाँ की भी पैरों की भी ना, तो ऐसे में तो दिक्कत कम होती है। अब तुम्हारे हाथ ही ऐसे हैं कि वो नसें ही गायब है ना, पूरे हाथों में है ना, इस हाथ में ना उस हाथ में ना पैर में, हमारे बॉडी में नसें ही नहीं मिल रही। वो कितना कर रहे हैं ना, उससे पेन भी हो रहा है, नस ढूंढने में ना, नस ढूंढने में पेन हो रहा है, खून भी निकल जा रहा है ना, सूजन भी आ जा रही है जो हाथ में, ये जल्दी सूजन आ जा रहा है। हाँ, तो वो नस की वजह से है ना। एक्चुअली पहले किसी ने बताया था कि मेरे हाथों में जो भी है नस होगा ना, एक जाल बना हुआ, जाल नहीं होता जैसे तारों का जाल होता है, गुच्छा गुच्छा बोलता है, नसों का जाल, तारों का जाल, उसी तरफ से नसों का जाल बना हुआ है, इसलिए उनको ढूंढने में काफी दिक्कत होती है। हाँ, पूरे हाथों में नसों के जाल बने हुए हैं। हाँ, इस जगह पे ना, इस पे, यहाँ पे, सब जगह पे जाल से बने हुए हैं, ताकि तब इनको ढूंढने में काफी दिक्कत होती है। दो जगह बदला है ना, पहले उस हाथ में फिर इस हाथ में, यहाँ पे तो दो जगह बदला, ऊपर दो जगह नीचे। अच्छा, चार जगह बदल दिया, पूरा हाथ छेद दिया एक तरीके से। अब हम अल्ट्रासाउंड रूम जाने वाले हैं। अल्ट्रासाउंड यहाँ से थोड़ा बाहर होगा, मतलब एक दूसरे सेंटर में होगा, इसलिए मेरे को अपनी मम्मी को लेके वहाँ पे जाना है। अभी तो हम यहीं पे थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। सनी, ओ सनी, उठ जा यार,
उठ जा उठ जा उठ जा, कब तक सोया रहेगा? इस फ्लोर के ऊपर फिर छत में जाने का नहीं है ना? इस फ्लोर के बाद छत में जाने का नहीं है, ऊपर सीढ़ी नहीं थी, इसके ऊपर वाले में सीढ़ी नहीं है। लो मुंह खोलो, क्या है भाई, क्या बोलते हैं ये उपमा? हम अभी गायनोलॉजी के डॉक्टर को जरा ट्रीटमेंट के लिए दिखाने जा रहे हैं। बिमला जी के दांत में भी काफ़ी दर्द हो रहा है, तो इधर डेंटल वाले हॉस्पिटल के उधर भी जा रहे हैं। सर जो हम
हाथ मोला की गोली मिल जाएगी। आराम कम है। सामने न्यू लाइफ हॉस्पिटल है, मुखर्जी नगर थाना, पुलिस स्टेशन मुखर्जी नगर, उत्तर सुमार थाना से रहे हैं। कॉफी है, कॉफी फ्लेवर है।
नहीं, मेरा अपना दुकान है, बहुत बड़ा। तीन दे दो सर, एक और संजय कुमार से अनारदाना दे दो। चार जगह मेरा दुकान का नाम है। पाँच कितना जल्दी मत क्या कर यहाँ पे दो जी। फाइनली हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, घर को जा रहे हैं। रुको यहाँ, तुम गिराओगे। फाइनली चार दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद डिस्चार्ज होके हम अपने घर को जा रहे हैं। टाइफाइड निकला हुआ था और यहाँ से अभी तक तो ठीक होके ही जा रहे हैं। अब घर पे देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।